प्लीज हमारे चैनल अनुज कुमार को सब्सक्राइब करें और सिलाई से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लाउज में डिजाइनर गला बताऊंगी, जिसके लिए हमने ये बुकरम ली है और ये ब्लाउज की कटिंग हमने पहले से की हुई, लाइनिंग वाला ब्लाउज है तो हमारे अस्तर की कटिंग है। जो इसका ब्लाउज का कपड़ा है वो उसकी भी सेम हमने इसी प्रकार से कटिंग की है। और ये देखिए, जो हमने इस बुकरम की ये चौड़ाई ली है वो ली है हमने 13 इंच, और जो उसके बाद इसकी लंबाई ली है वो हमने ली है 10.5 इंच। अब सबसे पहले हम बुकरम को दो लेयर में फोल्ड करेंगे, ठीक है। आप बुकरम पे नहीं, सबसे पहले हम इस पे ब्लाउज पे बनाएंगे गला, बुकरम पे बाद में बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसे हम गले की जो चौड़ाई रखते हैं नॉर्मली वो हम 2.5 या 3 इंच रखते हैं, कोई 2.5 इंच पहनता है, कोई 3 इंच पहनता है। तो इस हिसाब से हमें इसमें थोड़ी जो हमें बुकरम की पट्टी लगाएंगे वो हम 2 इंच की लगाएंगे इसमें, तो उसके लिए हमें 4.5 इंच पे निशान लगाना होगा, 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और उसके बाद जो इसकी लंबाई लेनी होगी वो हमें 10 इंच लेनी होगी, क्योंकि जब हम इसे फोल्ड का वो बुकरम की पट्टी लगा देंगे तो वो हमारी 8 इंच की रह जाएगी। अब यहाँ से भी हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इस निशान से सीधा मिलाएंगे। अब ये देखिए, इसमें हम राउंड गले की शेप देंगे इस तरीके से और इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको इसमें बुकरम की कटिंग करना बताएंगे। अभी देखिए, जैसे हमने उसका 4.5 इंच लिया था तो बुकरम पे हमें 3 इंच का कट करना है, और उसके बाद जो हमें इसकी ये लंबाई रखनी है, जैसे हमने उसकी 10 इंच ली थी तो इसकी हमें 8 इंच लेनी है, क्योंकि 2 इंच की हमारी वो ये पट्टी आ जाएगी। अब उसके बाद यहाँ से भी हम 3 इंच पे ही निशान लगाएंगे और इसको हम सीधा मिला देंगे और इसमें भी हम ऐसे ही कर्व देंगे, राउंड गले के लिए, और इसमें 2-2 इंच का मार्जिन देंगे हम। और इसको हम इस तरीके से गोल कर देंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी भी कटिंग कर लेंगे हम। ये देखिए, ये हमारा गला कट चुका है। अब ये देखिए, हमने ये कटिंग कर ली है और इसके बाद इस तरीके से हमारा ये सिलाई में जाएगा, जो हमारा एक्स्ट्रा 1/2 इंच है। और उसके बाद उसके लिए हम ये कपड़ा लेंगे। ये देखिए, इसकी हमें 2 पट्टियां लेनी है क्योंकि हमें दोनों ओर से कवर करना है, तो हम इस तरीके से इसके लिए कपड़ा कट कर लेंगे। अब ये देखिए, अब हम इसको गले को तैयार करेंगे। सबसे पहले ये इसका ब्लाउज का कपड़ा है और ये इसकी लाइनिंग है, तो सबसे पहले हम इसे लाइनिंग पे तैयार करेंगे। तो इस गले को हम पहले ऐसे ही बना लेंगे तरीके से, इसके ऊपर हल्की हल्की सिलाई लगा के और इसको सीधी साइड पलट देंगे। देखिए, जितने भी गले की चौड़ाई है उस हिसाब से पूरे को लेंगे हम।
और जो इसका नीचे वाला हिस्सा है उस पर हम तुरपाई नहीं करेंगे, उसको हम ऐसे ही बनाएंगे। तो इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे कपड़े को बिल्कुल बराबर करके। तो हम इसे पलटेंगे, अभी देखिए गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे जिससे ये आसानी से सीधा हो जाए। और इसको जो हमने ये वाला हिस्सा नहीं सिला है, आर्म होल से लेके जहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगती है वो नहीं सिला है, अब इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सिर्फ इसके कमर वाले हिस्से पे और गले वाले हिस्से के ऊपर सिलाई लगाई है हमने, बाकी पूरा कपड़ा हमारा खुला है। अभी देखिए गले को हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। और इस सिलाई को हम पूरे गले के ऊपर लगाएंगे। इस तरीके से पूरे गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और यहां से इस वाले तीरे को भी सिलते हुए नीचे की साइड लेके जाएंगे और यहां से आर्म होल की साइड से भी कच्ची सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई को नीचे बॉटम तक ले आएंगे। और बॉटम के ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। अगर आप इसे तुरपाई वाला बनाना चाहती हैं तो आप इसमें अलग से एक पट्टी लगा सकती हैं। ऐसे ही मैं इसे सिल के तैयार करूंगी। ये देखिए गले को हमने इसे सिंपली तैयार कर लिया है, नीचे से ये भी और ये गला भी। अब जो हमने बुकरम पे गला काटा था हम उसको तैयार करेंगे। अभी देखिए जैसे हमारा ये गला है तो हमने दो कपड़े लिए हैं, एक कपड़ा नीचे रखा है और एक इसके ऊपर, और उसके ऊपर बुकरम रखी क्योंकि हमें पलट के तैयार करना है। बुकरम को दोनों तरफ से कवर करना है क्योंकि हमारी ये गले के ऊपर ऐसे ही लगेगी, ये दबेगी नहीं। और यहाँ से हमने 6 इंच का मार्जिन दिया है और एक पिन लगा ली है और इसके ऊपर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। बुकरम से थोड़ा ज्यादा चढ़ा के नहीं लगानी सिलाई को, हल्की हल्की ऊपर लगानी है बस। ये पिन निकाल के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस, अभी देखिए जो सबसे पहले अंदर वाले कपड़े की कटिंग करेंगे हम, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ेंगे सिर्फ हम इसमें कट लगाने के लिए, बाकी पूरे कपड़े की कटिंग कर देंगे। और इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। तरीके से पलट देंगे। ये देखिए ये वाला कपड़ा बिल्कुल सेट कर देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अभी देखिए इसको हमने पलट के सीधा कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम ऐसे कट कर देंगे, सीधी साइड पलट दिया है ये हमने।
और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये कपड़ा जमा रहे। अब देखिए गले को हमने तैयार कर लिया है। अब ये देखिए हमने जो ये गला बनाया था, सबसे पहले हम इसको इसके ऊपर सेट कर लेंगे, इसे हम पिनअप कर लेंगे। और ये इसकी जो चौड़ाई है, ये देखिए जैसे यहाँ से ये 1.5 इंच है, तो यहाँ से भी हमें ये 1.5 इंच ही लेनी है। कुल मिला के चारों तरफ से हमें ये बराबर ही लेनी है। ये अच्छे से सेट कर लें आप गले को और इसे पिनअप कर लें ताकि गला खिसके ना। ये अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप इसे कच्चा भी कर सकती हैं। ऐसे इसे हम पूरे को पिनअप कर लेंगे। अब देखिए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे जहां से हमने इसको पिनअप किया था। पिन को निकालते हुए जाएंगे, सिलाई के ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। देखिए गले को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद जो हमने ये लेस ली है, इनको हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये हमको इस तरीके से लगानी है। जो ये वाला हिस्सा है ये हमें इस साइड रखना है। और ये बिल्कुल बराबर में ही लगाने हैं। देखिए इस तरीके से। यहाँ से इसे ऐसे मोड़ के लगाना है इस तरीके से। यहाँ से भी ऐसे लगाना है इसको, जहां जहां से इसमें कर्व आया हुआ है वहां से इसे मोड़ दें। ये हमने लेस ली थी उसको कट कर लिया है लेस को। ये देखिए ऐसे ही लगाते हुए चलना है इसमें। पूरे गले के ऊपर ऐसे ही लगाने हैं हमको ये। इसके बाद इसके ऊपर डबल सिलाई लगानी है। जैसे ये थोड़े चौड़े हैं तो इनके ऊपर हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। हल्का सा घुमा देके
पे लगाइए सिलाई को, हमें इसी तरीके से यहाँ से वापस लेके जाना है इधर को, और ऐसे ही हमें ये पूरे गले के ऊपर लगानी है ताकि ये जमे रहे। ऐसे ही हम सिलाई को लगा के तैयार कर लेंगे। इसमें स्टोन है तो इस वजह से सुई टूटने का डर है, इस वजह से इसमें अगर आपके पास ऐसी लेस है तो उससे बचा के जब सिलाई लगाएं, वरना आप ये कपड़े के कमूरे भी बना के लगा सकती हैं इसमें अगर आपके पास ऐसी लेस नहीं है तो। ये देखिए गले को हमने पूरी लेस से कवर कर दिया है। अब उसके बाद ये हमारे पास पतली लेस है, जैसे इसकी शेप थोड़ी कमूरे से इधर उधर को हो गई, तो इसकी राउंड शेप बनाने के लिए हम इसके ऊपर एक गोल्डन कलर की लेस को और लगाएंगे। हमारे पास पतली वाली लेस है, ये देखिए लेस को हम इस तरीके से रखेंगे। और इसको बिल्कुल राउंड करके लगाना है ताकि गले की शेप गोल दिखे। अगर आपके पास ऐसी लेस नहीं है तो आप इसमें कपड़े की पाइपिंग लगा के भी बना के भी लगा सकती हैं। ऐसे हम ये पूरे गले में लगा के इसको तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये गला बन के कम्प्लीट हो चुका है। आप चाहें तो पहले इसके ऊपर पाइपिंग लगा सकते हैं, लेकिन हमारे कमूरे बड़े हैं इस वजह से हमने पाइपिंग नहीं लगाई और डबल हमने ये लेस कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।